कहते हैं भागवत को जो सुनता है उसका भव्य सागर से बेड़ा पार हो जाता है। इस तरह के आयोजन से समाज में एक नई ऊर्जा का प्रवाहन होता है। शहादरा की ज्वाला नगर में श्री भगवत कथा का आयोजन हुआ, जिसको लेकर आज कलश यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें कि जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों ने हिस्सा भी लिया और साथ ही प्रभु के भजनों का पर खूब झूमे भी। और ये भागवत कथा 23 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चलेगी। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। महिलाएं कलश लेकर काफी दूर तक यात्रा में शामिल हुई। आज ये कलश यात्रा जो है श्रीमद् भागवत जी की है और कहा गया है श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। जिस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ सुख शांति होती है और स्वयं भगवान कृष्ण का निवास हो जाता है। उस क्षेत्र के लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए ये भागवत जी की यात्रा निकाली जाती है ताकि पूरे क्षेत्र में भागवत जी को और ठाकुर जी को घुमाया जाए और क्षेत्र के लोगों के ऊपर ठाकुर जी की नज़र पड़े। ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ नगर के लिए ये हमेशा हर वर्ष करते हैं और बड़ा इनके यहाँ देखिए कलश यात्रा 501 की कलश यात्रा बढ़ चढ़ के लोग यहाँ के सभी क्षेत्र के वासी सब लोग सहयोग रहता है। अच्छा लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है। हाँ सब लोग शामिल हैं और दूसरा दे बहुत सालों बाद हुआ है, 5-6 साल हो गए हैं। पहले हमने भी पहले कर रहा था, अब दोबारा हुआ है ये 5 साल कोरोना के बाद, अब पहली बार हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कितना एक्साइटमेंट होता है महिलाओं के बीच।